ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। राधा जी, सुरजन पे ये आरोप है कि आधी रात को वो अपना खेमा छोड़ के जनाने खेमे के आसपास घूम रहा था। अब कैसे बताएं कि शहंशाह हमसे ही मिलने वहां आए थे? यहाँ हम बीमारी और भुखमरी से जूझ रहे हैं और राधा जी अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ सबकी सहायता कर रही हैं, और ये निर्लज, ये सुरजन, इसे घिनौना काम करने की पड़ी हुई है। राधा जी, इन दो लोगों ने अपनी आँखों से इसे जनाने खेमे के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा था। हम लोग वहाँ अलाव पर आग ताप रहे थे कि अचानक उठा और कहने लगा कि हमें सोने जाना है। फिर ये अपने खेमे की ओर न जाकर दूसरी ओर बढ़ गया, और जब हमने इसे बोला कि वहाँ क्यों जा रहे हो तो कहने लगा नहर पर जा रहा हूँ, बिना नहाए इसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद जब हम आग ताप कर उठे तो देखा ये जनाने खेमे की ओर से निकल रहा था। अरे अजर देख, ये तो अपना सुरजन लगता है ना? अरे हाँ, ये तो सुरजन ही है, लेकिन ये जनाने खेमे में क्या कर रहा था? बस राधा जी, हमने ये सब पंचायत को बताना ठीक समझा और आपके सामने हाजिर हो गए। अब बताओ सुरजन, आधी रात को जनाने खेमे की तरफ क्या करने गए थे? बोलो ना। दरअसल हमसे मिलने आए थे हमारे खेमे में। आपसे मिलने? जी हाँ, कल दिन में इन्होंने हमसे कहा था कि इनकी पत्नी मधुरा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इन्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी हमसे चाहिए थी जो हमारे खेमे में रखी थी। तो हमने इनसे कहा कि अपना सारा कामकाज खत्म करके हमारे खेमे में आकर वो जड़ी बूटी लेकर जाए। मगर ये तो कौशल्या जी से भी कह सकता था ना? हाँ, कौशल्या जी के खेमे में गए थे, परंतु उस समय वो सो रही थी इसलिए हमारे खेमे में आ गए थे। हाँ, मथुरा के पेट में बहुत दर्द था, उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए मैं। ठीक है सुरजन, इस बार तो हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, मगर हमारे भी कुछ नियम हैं। पुरुष महिलाओं के इलाके में नहीं जा सकते, आइंदा यह नियम भूल मत जाना। जी समझ गए, आइंदा इस तरह का अपराध नहीं होगा। हमें क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तो हमारे साथ बड़े आराम से अलाव ताप रहा था। हाँ, तब तो एक बार भी नहीं बोला कि इसकी बीवी के पेट में दर्द है। जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है हमसे। अरे, उस बंदी ने तो कहा था कि हैदर यही होंगे, पर हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। अब हैदर जी, हैदर जी, अब इनसे पूछ। अब जनाब सुनिए। कहिए मोहतरमा। जावेदा जी हमारे खाला है। हमारा नाम बीरबल है। भारमल? भारमल जी तो मरियम जमाने के वालिद साहब थे। अच्छा, आपका भी नाम भारमल है, कमाल है। अच्छा, तो आप ऐसे आ रहे हैं? हाँ जी। लगता है इनके कानपुर का दरवाजा खराब है। दरवाजे पे शराब? ना 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 ना, ना। तो गलत बात है ना, दरवाजे पे शराब कौन पीता है? ना मोहतरमा, दरवाजे पे शराब तो कोई नहीं पीता, जो दरवाजे पे शराब पीता हुआ पाप करता है। वैसे आप हमसे कोई सवाल पूछ रही थी। बवाल ना? बवाल तो पूरे सल्तनत में मचा हुआ है, सूखे का बवाल, भूख का बवाल, और सबसे ज्यादा तो वो कीड़े का बवाल, हर तरफ बवाल ही बवाल। भैया बीरबल, जल्दी से निकल लो, वरना समझदारी की वजह से जो इज्जत कमाई है अभी इसके सवालों में उतर जाएगी। मोहतरमा, वो है हैदर। कहाँ है हैदर? हैदर जी, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अरे ये जनाब कहाँ चले गए? अब हम हैदर जी को कहाँ ढूंढें? हैदर जी,
बचा। सुरजन जी, जी ये जड़ी बूटी को अच्छे से पीस देना, कल रोगियों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जी देखा आपने, बाल बाल बच गए, ये तो पंचायत में हमारे हाथों आपको सजा मिल जाती। तो क्या आप पंचायत के डर से एक शौहर अपनी बीवी से मिलना छोड़ दे? लेकिन आपने भी कमाल कर दिया, हमें तो लगा कि हम फंस गए हैं, लेकिन किस तरह आपने सबके सामने बात को घुमा दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जी अच्छे से कुटिए, अच्छे से कुटेंगे तभी इसमें से रस निकलेगा। जी जी बड़ी ताकत लगाइए सुरजन जी। जी अब आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कहीं भी हमसे से मिलने नहीं आ सकते। कमाल है, यहाँ आप हमसे नाराज हैं, वहाँ रुके भी हमसे नाराज हैं। हम आपसे नाराज नहीं है, परंतु यहाँ का माहौल तो आप जानते हैं ना। वचन दीजिए हमें, अब आगे से आप हमसे ऐसे मिलने नहीं आएंगे। ठीक है, वादा करते हैं, अगली बार जब मिलने आएंगे तो कोई हमें देख नहीं पाएगा। अब अच्छा सुरजन जी, बस इतना ही कुटना था, बस दे दीजिए हमें। जी लीजिए। आज रात हम यहीं डेरा डालेंगे, आगरा यहाँ से कुछ ही दिन की दूरी पर है, हमें वहाँ जाकर शाह मंसूर से मिलना है। हुजूर का हुक्म तो शाह मंसूर को पैगाम भेज दिया जाए। हरगिज नहीं, हम उससे वहाँ जाकर खुद मिलेंगे। हो सकता है मानसिंह के जासूस आसपास हों, और अगर हमारा पैगाम किसी गलत हाथ में पड़ गया तो अच्छा नहीं होगा। हमें बहुत एहतियात से काम करना होगा, यहाँ बीमारी फैली हुई है और हम आगरा तक मरीज बनकर जाएंगे। एक बैलगाड़ी का इंतजाम और करो, हम वह गरीब और मजबूर बनकर जाएंगे, और जब तक हम वापस नहीं आते तुम लोग हमारा यहीं इंतजार करोगे। हम नहीं चाहते कि तुम लोगों की हलचल किसी की नजर में आए। अचानक हमें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ये रोशनी कैसे? ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? क्या है ये अजूबा? क्या है ये चीज? ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही? क्या हलचल हो रही है? हलचल तेरे अंदर है जलाल, और जब तक तेरे अंदर की हलचल नहीं थमेगी तो बाहर शांति महसूस नहीं होगी। जब तुम्हारे अंदर का तूफान खत्म होगा तभी बाहर का तूफान जाएगा। जानी जानी है कहानी।
कैद के लिए चुना गया था और तूने अपना मकसद ही भुला दिया। अकबर का नाम दिया गया था तुम्हें ताकि धरती पर फरिश्ता बनकर लोगों की मदद कर सकूं, उन्हें मोहब्बत का पैगाम दे सकूं। लेकिन क्या किया तुमने, फरिश्तों की हाय ले बैठा। कौन हो तुम, हमें नजर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? जो हमने देखा वो क्या हकीकत थी क्या? अरे सुरजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां बावर्ची खाने में कौशल्या जी तुम्हें ढूंढ रही है। अभी यहाँ एक तूफान आया था ना। तूफान? अरे दिमाग फिर गया तुम्हारा, मौसम तो एकदम साफ है और तूफान कहाँ से आएगा? लगता है या तो तुम काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो या फिर दिन में ख्वाब देख रहे हो। चलो क्या हम काम करेंगे? कौन से काम, कैसा काम? अच्छा शहंशाहों वाले तेवर दिखा रहे हो तुम? यहाँ सबको काम करना पड़ता है। सबको? हाँ सबको। और ये तुम्हें हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आज तुम? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि हम सबको यहाँ काम करना पड़ता है? हमारे लिए खाना और कमाना इतना आसान नहीं है। और हाँ, शहंशाहों और सेठों की बात कुछ और है, जो पैदा ही मुँह में चांदी की चमक लेके होते हैं, मगर हम तुम जैसे लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जलजले की आग से भी बड़ी होती है इस पेट की आग, जिसे हमें खुद ही बुझाना होता है। अब चलो चले यहाँ से। अंदर की आग नहीं, अंदर के तूफान को भी खत्म करना है हमें। सुरजन, अरे क्या बोल रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है भाई? हाँ कुछ नहीं। अब समझ में आया कि खुदा हमसे क्या चाहता था। सब कुछ छीन लिया, बर्बाद कर दिया था कि हम एक आम इंसान की तरह जीना सीख सकें, उनकी मुश्किलात को समझ सकें, उनकी मदद कर सकें। अब तक जिसे हम जिंदगी का बुरा दौर समझ रहे थे, वो खुदा का बख्शा हुआ सीखने का वक्त है। हम करेंगे मेहनत, सीखेंगे। है सुरजन। हाँ देखो कैसे दिल से काम करता है। अब आप रहने दीजिए, हमें देखिए हम कर लेंगे। इस वक्त हम बादशाह नहीं, एक आम इंसान है। और एक आम इंसान दिन रात मेहनत करके अपने कुंबे के लिए रोटी कमाता है, हम भी कमाएंगे। हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे एक दिन एक साधारण नागरिक की भांति आपको काम करना पड़ेगा। ये हमारी इम्तिहान की घड़ी है जोधा बेगम, और हम नाकामयाब नहीं हो सकते। नहीं आज तक कभी हमने शिकस्त खाई है और ना ही अब खाएंगे। और फिर अगर हमें पसीना भी रहा है तो उसे पहुंचने के लिए आप हैं, तो फिर घबराना किस बात का। भोजन तैयार हो गया जी? हो रहा है जी। क्या सुरजन जी, नमक कितनी ज्यादा डाल दिया अपनी सब्जी में? आपको भोजन बनाना नहीं आता क्या ठीक से? जी कल भी दाल तुमने ही बनाई थी ना, नमक बिल्कुल नहीं था। अपनी पत्नी से सीख ले या फिर उसे भी खाना पकाना नहीं आता है। मेरी पत्नी तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। एक बार अगर आप उसके हाथ का खाना खाएंगे तो उंगलियां चबाते रह जाएंगे। महल में भी हमारे लिए वही खाना बनाती थी। महल में? और क्या हमने आपको कहा नहीं था कि हम शहंशाह हैं? वाह रे सुरजन, दिन में भी सपने देखते हो। अपनी शक्ल देख, बादशाह और बेगम की बात करता है। हमारे कपड़ों और हमारी शक्ल पे मत जाइएगा। हर घर में हर पति एक बादशाह होता है और उसकी पत्नी बेगम। तो तेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है? बहुत ही स्वाद। तो ठीक है, तू राधा जी की मदद कर
मैं आज मधुरा को कहूंगी सबकी रसोई वही पका देगी। राधा जी, सुना है जगदेव सेठ आज कुछ अनाज लेकर आने वाले हैं। ईश्वर भला करे उनका, जरूरतमंदों का कितना ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही भले मनुष्य है वो। राधा जी, ये जगदेव सेठ कौन है? वो सब छोड़िए, आप, आपको ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि आपकी पत्नी बहुत अच्छा भोजन बनाती है? बेचारी रुका है बेगम का क्या होगा भला? हम भी वही सोच रहे हैं। ये पूरा अनाज बांट दो इनमें। जी। क्या हो रहा है यहाँ पर जलाल? इतनी भीड़ क्यों जमा है? आइए देखते हैं। नमस्ते राधा जी। नमस्कार जगदेव जी। सुना है लोगों ने आपको अपना मुखिया चुन लिया है, अच्छा किया। आपसे अधिक इन लोगों का कोई और भला सोच भी नहीं सकता। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें कैसा बड़प्पन, ये तो सारे हमारे अपने लोग हैं। सुरजन जी, यही है जगदेव जी जिनके विषय में हमने आपको बताया था, यही है जो यहाँ पर लोगों को अनाज भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत उपकार आपका। पर जगदेव जी, ये तो सिर्फ 3-4 बोरी अनाज है, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा ये। अब क्या बताऊं आपको कौशल्या जी, हमारे शहनशाह को तो हमारी समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं। मैं गया था उनके कारिंदों के पास अपने अनाज का हिस्सा लेने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ये अनाज की बोरियां मैं अपने घर से लेकर आया। देखती हूँ सबको बराबर बट जाए। हाँ देख लिया, ऐसा है हमारा शहनशाह, खुद को जिल्ले इलाही कहते हैं, ईश्वर की परछाई। और जरा अकाल की धूप क्या पड़ गई, परछाई गुम हो गई। ऐसा गैर जिम्मेदार शहनशाह इस सल्तनत में ना हो। ये सब हो क्या रहा है? हमने तो अनाज भिजवाया था, तो फिर यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? ये तो नहीं पता, परंतु तो सच में यहाँ पर अनाज की बहुत कमी है। कौन है जो हमारी और सल्तनत की रसवाई कर रहा है? जो अनाज हमने महीनों पहले अवाम के लिए यहाँ भिजवाया था, अब तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? यहाँ आप चक्कर लगाते रहते हैं सेठ जी? हाँ, 2 महीने बाद आया हूँ, वरना अपने लोगों की फिक्र तो होती। पर मुझे तो कोई और ही कारण लगता है, आप राधा जी को पसंद करते हैं ना, उन्हीं के लिए यहाँ आते हैं। दिमाग ठिकाने है क्या नहीं तुम्हारा? राधा जैसी पवित्र औरत को बदनाम कर रहे हो? चुपचाप अपना काम करो, जाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ। अंकड़ा मनकपुर के गांव में एक अलग किस्म के जंग में मशरूफ थे। जो हमें और मुगल सल्तनत में अपना यकीन खो चुके थे, उनका यकीन फिर से पा सकने की कोशिश कर रहे थे, और वहां आगरा में एक और बगावत सर उठा रहे थे। हालांकि सलीम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हालात को संभाल सकें, मगर हर बार एक नई मुश्किल आगरा के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और इस बार इस मुश्किल का नाम हाकिम मिर्जा था, जो सल्तनत को कमजोर समझकर उस पर कब्जा कर लेना चाहता था। हमें सूचना मिली है पूर्वी सीमा से मिर्जा हाकिम अपनी फौज लेकर तेजी से आगरा की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी छोर पर पहले ही हम जंग में उलझे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें मिर्जा हाकिम पे काबू पाना है। मिर्जा हाकिम न सिर्फ हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, बल्कि वो आगरा सल्तनत के तमाम रास्ते भी जानता है। परंतु अबुल फजल साहब, समस्या ये है कि हमारे खिलाफ अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। यहाँ बिहार में बगावत को रोकने के लिए खाने खाना रहीम और टोडरमल साहब गए हैं, शहंशाह भी यहाँ नहीं। समझ में नहीं आता कि करें। शहजादे मुराद, दानियाल, अब समय आ गया है कि आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। शहंशाह की अनुपस्थिति में युद्ध की कमान आप दोनों संभालें। माफी चाहेंगे, दानियाल और मुराद को जंग पर तजुर्बा नहीं है, इन्हें अकेले जंग में भेजना खतरे से खाली नहीं। कौन जाएगा हैदर? शहंशाह भी यहाँ नहीं है। इस जंग की अगुवाई हम करेंगे, हमें जंग का तजुर्बा भी है और वलीयत होने के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है। नहीं वलीयत, आप जंग में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर आप जंग पे गए, पीछे आगरा में हमला हुआ और महल में कुछ मसला हुआ तो कौन संभालेगा? अबुल फजल, हमने फैसला कर लिया है, जंग में जाएंगे। और हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं है, आप जंग में नहीं जा सकते।
अबुल फजल आप हमें हुक्म देंगे? आप शहंशाह के हुक्म से इस वक्त तमाम फैसले लेने की ताकत हमारे हाथ में है। जंग में कौन जाएगा और इस महल में कौन रहेगा, ये फैसला हम लेंगे, आप नहीं। बिरबल जी, जी वालिया, जंग में जाने के लिए फौज को तैयार कीजिए। जी। तुम्हारा हो गया है, इस पैर पे ज्यादा जोर मत डालना, जाओ। संभल कर। देखो ना भाई, बहुत चोट लग गई है। घाव तो गहरा है तुम्हारा, रुको। हुजूर, गौर से सुनिएगा, महाराज बीरबल आज रात आपसे मिलने आने वाले हैं। बहुत दर्द हो रहा है भाई। घबराओ मत, हम तुम्हें दवा भी देंगे। दवा देंगे हम तुम्हें, मुझे कहता ना कि रात को आकर हम उनसे मिलेंगे। जाओ, ख्याल रखना, जाओ। मालिक ने ये जगह साफ रखा कर, यहाँ आते खांसी शुरू हो जाती है। कितनी बोरियां इकट्ठी हो गई है, हिसाब दे मालिक को। मालिक, सल्तनत से इस समय जो अनाज आया था कुल मिलाकर 310 बोरियां हैं। 310। हमारे शहंशाह को तो हमारी समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं गया था उनके कारिंदों के पास अपने अनाज का हिस्सा लेने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। खुद को जिल्ले इलाही कहते हैं, ईश्वर की परछाई, और जरा अकाल की धूप क्या पड़ गई, परछाई गुम हो गई। अरे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अब शांति है ना, अगर किसी को हमारे इसलिए पता चलेगी तो क्या हो सकता है। अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अभी कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, आगरा लौट जाइए, यहाँ पर लोग आपसे बहुत घृणा करते हैं। यदि किसी को भी पता चल गया कि आप ही शहंशाह हैं, तो ना जाने क्या हो जाएगा। अगर हमसे आपकी ऐसी हालत देखते भी नहीं बनती है शहंशाह, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं, हमारे समीप रहने की इतनी जिद क्यों? बेशक हम यहाँ आपसे मिलने आए थे जो तभी कम, लेकिन अब आपकी तरह हमें भी यहाँ रहने की कोशिश मिल गई है। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है। जब हमारी तरफ से अनाज भिजवाया गया है तो उसे बीच में रोककर हमें मुजरिम साबित कौन कर रहा है? कौन इन बेचारे गांव वालों को भूखा मार रहा है? इस तरह क्यों देख रहे हैं आप हमें? यदि हालात बदल जाए, फितरत बदल जाए, तो अस्तित्व की नींव हिल जाती है, पर आज हम देख रहे हैं वो नींव फिर से मजबूत हो रही है। नींव तो मुगल सल्तनत की मजबूत होगी। जरा सोचिए जो धावेगा, आगरा के हर जरूरतमंद इलाके में हमारी तरफ से अनाज भिजवाया गया है, और जब वहां पहुंचा है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? और हो सकता है कि इस जगह की तरह और भी बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ जरूरतमंदों के लिए अनाज नहीं पहुँचा है। हो सकता है कोई शाही सेवक या अधिकारी इसमें सम्मिलित हो। जाहिर सी बात है, बिना किसी के मिली भगत के ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम उस मुजरिम को ढूंढ कर रहेंगे, और तो भला हो जगदेव जैसे सेठ जी का, कम से कम वो बचाए तो अपना फर्ज निभा रहे। लेकिन वो जो भी हो, उस मुजरिम को तो हम ढूंढ कर रहेंगे।